सोच में सर उससे सारे के सारे बड़े होने को तो हम बना देंगे तुम बढ़िया। सो फाइनली आज हम लोग एक और एक्स के साथ वापस। एंड आई नो आज थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ ये वीडियो, मे बी 10:30-11 तक तुम्हारे पास में पहुंच जाएगी। बट द सीन वॉज आज हम लोग सुबह से कुछ ना कुछ काम करते हैं सब यूट्यूब के लिए, तो थोड़ा सा आज लेट डाला, सुबह एक वीडियो डाला था। बट यू नो मैंने ज़रूरी समझा कि एक छोटा सा वीडियो तो मैं दे आ जाए जिसमें ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन कुछ नहीं होगा, सिर्फ चिल करने के लिए बनाया। क्योंकि यू ऑलरेडी नो जब हम ब्रेकडाउन में घुसते हैं तो कभी कभी चिल करना भूल जाते हैं, तो ये चिल के लिए ठीक है। तो ये बेसिकली MC Stan X MC THC, दिस इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो विच इज़ लाइक मेड बाय MX Stan। ओके पता नहीं मैं नाम से ले रहा हूँ, बट शॉर्ट आउट टू यू ब्रदर। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें गाने नहीं पढ़ूंगा मैं बेसिकली, तो मजा करके हो जाएगा। तो ऑल द MC Stan एंड MC THC फैंस मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लेट्स गेट इन। वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। अच्छा बीट प्रोड्यूसर है बेसिकली, हाँ मैं वही तो सोचूं। इसमें इसका टैग भी धीरे से सुनाई दिया, MX Stan ऐसे करके कुछ। ओह नाइस, आई थिंक सो आई एम मिसिंग समथिंग, क्योंकि ये एनिमेशन मैंने पहले कभी देखा नहीं है ब्रो। ओके शायद किसी वीडियो में था या मेरा लिरिक्स पे ध्यान था, बट ये एनिमेशन मैंने कभी नहीं देखा पहले। दैट वॉज डोप ब्रदर, दैट वॉज डोप भाई, कैसे स्विच किया इसने, बढ़िया था। यू नो एवरी मोमेंट देखो तुम इंस्ट्रूमेंटल ऐड होते जा रहे, जैसे उसने वो स्विच किया MC THC ने यहाँ पे, तो एक इंस्ट्रूमेंटल तो सेम बज रहा है बट पीछे से कुछ वो उसको पता नहीं क्या बोलते। एक तो एक्चुअली मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन का इतना नॉलेज है नहीं ना ब्रो, नहीं तो मेरे को प्रॉपर मैं तुमको इंस्ट्रूमेंटल के नाम बताता, बट कुछ तो इंस्ट्रूमेंट ऐड हुआ पीछे। आई थिंक सो पीछे एडलिब्स भी बज रहे हैं MC Stan के, जो ऐसे करके जो एडलिब्स होता है ना वो भी शायद पीछे पीछे कहीं ऐड हो रहा है। आई थिंक सो आई एम राइट। यू नो व्हेन आई स्टार्टेड जब तो है ना MC Stan जो था ना उसका जो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब सी लगती थी, मतलब कि यू नो बीट हाई बज रही होती थी, उसका जो वोकल्स होता था बहुत लो सुनाई देता था। बट नाउ हमको धीरे धीरे आदत पड़ गई है, और कुछ कुछ गाना जैसे उसका अस्तक फिरुल्ला है और आमीन तो नहीं, अस्तक फिरुल्ला और दूसरा एक और गाना था जिसमें शायद से वोकल्स परफेक्टली मिक्स मास्टर्ड, और मतलब वो तो उसका स्टाइल है जो वो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट हाई रखता है और खुद की वॉइस को एकदम पतली कर देता है। बट यू नो उसकी आदत सी हो गई थी कुछ कुछ गानों में एकदम प्रॉपर दोनों साथ में सुनाई देते थे, यू नो थोड़ा कम मंबल और बढ़िया लगता था। बट ये जो अभी इसने बंदे ने मिक्स मास्टर की ना, मेरे ख्याल से इसने मिक्सिंग मास्टरिंग में भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि जो ये वाला गाना था इसके पहले जो बजा था वो एकदम प्रॉपर सुनाई देता था, बट इसने बहुत सारे मिक्सिंग मास्टरिंग को भी चेंज किया है यहाँ पे और बढ़िया साउंड कर रहे हैं ना, पुराना वाला MC Stan की याद दिला रहे हैं चीज़ें। तो
तुमका अगर परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए ना इतने बड़े एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों दिया, तुम MC THC की वॉइस भी सुन सकते हो, उसकी भी वॉइस में तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा। वो सिर्फ बीट स्विच है इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है, उसने मिक्सिंग मास्टरिंग में भी बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि उसको बीट तो बदली पर उसको अपना साउंड वैसा बनाना था MC THC MG10 का, ताकि परफेक्टली वो है ना मैच कर जाए वहाँ पे टेम्पो के साथ। बढ़िया परफेक्टली हैम कर रहा है भाई ये बीट को, परफेक्टली हैम कर रहा है। इसने बीट तो बदली ही है बट भाई ऐसा कहीं से भी फील नहीं आ रहा कि बीट स्विच करी गई है। बहुत ही क्लासी है भाई ये बीट। इस इफेक्ट का मेरे को तो याद नहीं है परफेक्टली नाम, बट यहाँ पे ना इसने मेरे ख्याल से वीडियो में भी बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड किए हुए। बहुत मेहनती बंदा लगता है मेरे को ये, क्योंकि ये जो जिस टाइप की बीट है ना, थोड़ा रफ टाइप बीट जा रही है यहाँ पे, तो उसने वीडियो में भी देखो थोड़ा सा ना हर एक विजुअल को थोड़ा रफली दिखाया है। इस इफेक्ट का आर एन बी तो बीट का नाम होता है यार, कुछ आर से नाम होता था मेरे सॉफ्टवेयर में, तो कुछ आर से नाम था जहाँ पे ऐसे 3 तरह के कलर और ऐसा पूरा रफ वीडियो हो जाता था। देखो ये वाला बढ़िया। ओ ये कौन सा है, होश में मेगा मैशअप, उसमें कृष्णा एमिवे MC Stan रफ्तार डिवाइन किंग ब्रो अल्ताव है बीच में। बाय गॉड भाई ये लोग तो यार मचा रहे हैं यहाँ पे, शॉट आउट टू यू ब्रदर भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हर बार जब वो MC THC बोलते ना, मैं अकेला ही वर्ल्ड स्टार हिप हॉप, भाई मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड स्टार हिप हॉप भाई सच बोलूँ बहुत दिल से जुड़ा हुआ मैं उन बंदों से, उस पर जो गाने आते हैं तुम एक बार सुनो तुम रात भर सो नहीं पाओगे। बढ़िया था ये गाना, बढ़िया था ये कंपाइलेशन, बढ़िया था। एंड होप सो, मैं तो पहले से ही विश कर रहा हूँ कि MC Stan और MC THC कभी वापस मिले, कभी वापस जैम हो, अगर हो जावे ना ब्रो, उनसे बड़ा सीन कोई नहीं है पता है, वो मुंबई को भी कहीं ना कहीं पे बहुत तगड़ी टक्कर दे देवे। और मे बी ऐसा होता है जिनको पुणे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके, तो उनको पता है द रियल वंस नो उसकी पुणे क्या कहाँ लेवल पे करता है। बाकी यार जो ओल्ड है, जिनको ओल्ड स्कूल टाइप की चीज़ें पसंद हैं और ये सब पसंद है, तो वो लोग पुणे के साइड जाते हैं, और जिनको अभी न्यू स्कूल वाइब्स पसंद है, R&B टाइप वाइब पसंद है, तो मुंबई के बहुत सारे रैपर्स देते हैं वो सब चीज़ें। बट जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि ना जल्दी से ऐसा कुछ होवे कि मुंबई रैपर्स और पुणे रैपर्स को मिला के एक बीट पे लाया जाए। देखना कोई मेरे को देख रहा है ऐसा बंदा तो अगर ट्राई कर सकते तो ट्राई करना, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। सो दैट्स इट, दैट वॉज माई रिएक्शन, होप से तुम्हें पसंद आएगा। अगर अपने ओपिनियंस तुम्हें देने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो, अगर कोई और तुम्हें मैशअप्स पता है मेक श्योर करना कि मुझे कमेंट्स में बता के जाना। बाकी अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। बाकी मिलते हैं तुमसे किसी और अच्छी रिएक्शन, तब तक स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, M11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।